लॉरियल ने इंडिया में नई लिक्विड लिपस्टिक लॉन्च की है जिसका नाम है लॉरियल पेरिस रूज सिग्नेचर मैट लिक्विड लिपस्टिक। इंडिया में कुछ 8 शेड्स इसके लॉन्च हुए हैं जिसमें से मेरे पास 2 शेड्स अवेलेबल है। एक है 103 आई एन्जॉय एंड 116 आई एक्सप्लोर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इसके स्वॉचेस दिखाऊंगी और इसका रिव्यू करूंगी। एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी कि आपको ये बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है इसके साथ में। वेलकम टू माय चैनल, आई एम मित्तल पटेल फ्रॉम shoppingfeather.com। चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं इसके स्वॉच। ये थे स्वॉचेस, अब देखते हैं इसका रिव्यू। आउटर पैकेजिंग की बात करें तो सिंपल ब्लैक कार्डबोर्ड का ये बॉक्स है जिसके ऊपर गोल्डन कलर से रूज सिग्नेचर लिखा है और एक्सपायरी डेट और सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर हम बॉटल की बात करें तो फ्रॉस्टेड मैट ट्रांसपेरेंट बॉटल है। जो भी प्रोडक्ट का कलर है वही बाहर दिख रहा है क्योंकि वो एक्चुअल प्रोडक्ट है। इसकी कैप ब्लैक कलर की है विद गोल्डन टैब जिस पर लिखा हुआ है लॉरियल। और अगर हम एप्लीकेटर की बात करें तो ये टीयर ड्रॉप एरो हेड टाइप का एक्चुअली है, टीयर ड्रॉप नहीं, एकदम प्रिसाइज एंगल बन रहा है जिसकी वजह से आपको अलग से लिप लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप प्रिसाइजली अपना शेप लिप्स का डिफाइन कर सकते हो और उसके साथ में इसमें छोटे छोटे लाइंस दिए हुए हैं जो अच्छे से प्रोडक्ट पिक करने में हेल्प करते हैं। तो आपको सिंगल टाइम ही प्रोडक्ट लेके वो आपके पूरे लिप्स पर लगाना ईजी रहेगा। बहुत अच्छा पैकेजिंग है, इट लुक्स। चलिए देखते हैं कि लॉरियल क्या क्लेम करता है। अकॉर्डिंग टू लॉरियल देर शुड बी नो फ्लेकिंग, नो स्मजिंग, नो ड्राइंग आउट, यूनिक ऑयल इन वाटर फॉर्मूला लास्ट अप टू 24 आवर्स, साइन योर लिप्स इन स्टेटमेंट कलर विथ न्यू लॉरियल पेरिस रूज सिग्नेचर लिक्विड लिपिंक, अ कलेक्शन ऑफ फिट अल्ट्रामेट लिपिंग्स दैट कंबाइन बोल्ड कलर विथ अ सुपर लाइट वेट फिनिश। तो फ्रेंड्स, लॉरियल के हिसाब से ये बिल्कुल स्मज नहीं होना चाहिए, फ्लेक नहीं होना चाहिए, ड्राई आउट नहीं करनी चाहिए आपको आपके लिप्स को। मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो ये एक्चुअली बहुत लाइट वेट फॉर्मूला है, ऑयल इन वाटर जैसे ये क्लेम करता है बिल्कुल वैसा, बहुत ही थीन इंक टाइप का फॉर्मूला है। आपके लिप्स पे अप्लाई करते हो तो बिल्कुल ड्राइंग नहीं लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। आप थोड़ी देर में भूल जाओगे कि आपने कुछ भी लिपस्टिक या कुछ अप्लाई किया हुआ है अपने लिप्स पे। ऑल्सो ये नॉन स्ट्रिकी फॉर्मूला है, जब हाथ पे स्वॉचेस करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रिकीनेस हो रहा है, पर लिप्स पे बिल्कुल भी स्ट्रिकी नहीं है। अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स है तो भी अच्छे से कवर करेगा, पूरा ओपेक फॉर्मूला है। इसकी फिनिश है वो सेमी मैट साटिन टाइप फिनिश है, ये फ्लैट मैट फिनिश नहीं है। अगर इंडिया में इसके प्राइस की बात करें तो 650 रुपीज़ है फॉर 7 ml प्रोडक्ट, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी गुड, क्वाइट अफोर्डेबल। स्टेइंग पावर की अगर बात करें तो ये 6 to 8 hours आराम से रहती है आपके लिप्स पे। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा शेड अप्लाई कर रहे हो। जैसे मेरे पास 2 shades है, उसमें से एक है आई एक्सप्लोर जो कि लाइट वाला शेड है। वो अगर 3-4 घंटे बाद अगर मैंने कुछ खाना खाया तो वो निकल जाता है शेड और पीछे कोई भी टिंट या स्टेन नहीं छोड़ता है, तो जैसे वो कलर गया मतलब चला गया। जबकि दूसरा शेड है आई एन्जॉय जो कि डार्क वाला शेड है, वो लगाने के बाद अगर मैं खाना भी खाती हूँ, कितना भी पानी पियो, चाय कॉफ़ी कुछ भी आप ले लो, वो पूरे दिन टिका रहता है। वो 8 घंटे बाद भी फेड हो जाता है बट वो इतना अच्छा स्टेन छोड़ता है और वो एक्चुअली निकालने में, पूरी तरीके से निकलने में 12 से 15 घंटे लेता है। तो आई थिंक इसका स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छा है। इसका अगर रिमूवल देखें तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिमूव जो भी डार्क शेड्स है, जो स्टेन छोड़ते हैं वो वाले शेड्स। जो लाइट वाले शेड्स है वो इजीली निकल जाते हैं मेकअप रिमूवर से, बट फॉर डार्क वाले शेड्स वी नीड टू यूज़ ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर। अगर फेडिंग की बात करें तो ये पूरे लिप से इवनली फेड होता है, तो आपको फ्लेक फ्लेक करके लिपस्टिक बीच में से निकलेगी ऐसे
कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर हटेगा तो भी पूरे लिप से कलर छोड़ेगा। फ्रेगरेंस की बात करें तो बहुत स्वीट, बहुत माइल्ड फ्रेगरेंस है इसकी, और लगाने के बाद 2 से 5 मिनट में ये निकल जाती है। एक प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगी वो ये है कि ये जैसे कम्प्लीटली सेट होने में कुछ आधा घंटा जितना टाइम लेती है, हमने अप्लाई किया और झट से 2 मिनट में सेट हो गई ऐसा नहीं होता है। इसको लगाने के बाद 30 मिनट तक आपको रुकना पड़ेगा, तभी ये सेट होगी, तभी ये ट्रांसफ़र प्रूफ होगी। जब तक ये सेट नहीं होती है तब तक ये ट्रांसफ़र होती है, बट एक बार ये सेट हो गई उसके बाद ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो एंड में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मैं इसको रेकमेंड करती हूँ कि नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने इसको सुबह अप्लाई किया था और शाम तक ये लिपस्टिक मैंने आई एंजॉय शेड अप्लाई किया था। शाम के 6 बजे तक भी ये लिपस्टिक मेरे लिप्स पे बनी हुई थी आफ्टर हैवी मील एंड ऑयली फूड। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है और मैं डेफिनेटली इसको रेकमेंड करूँगी और मैं और भी शेड्स इसके ट्राई करना चाहूँगी। इंडियन स्किन टोन के लिए स्पेशली आई इंजॉय शेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो ऑलमोस्ट सबके ऊपर जाएगा, चाहे फेयर स्किन हो या डार्क स्किन। तो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया कि नहीं किया और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे नेक्स्ट जो भी वीडियो आते हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।